नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश में आप शुरू से बोर्ड तक इससे हमेशा प्रश्न आता रहेगा, इसे इग्नोर करने का नहीं है। आपकी लिटरेचर बुक में जो भी पाठ दिए गए हैं उससे अलग का जो प्रसंग होगा वह अपठित गद्यांश कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपठित गद्यांश का मैं एक अर्थ बता रही हूँ। देखिए, एक चीज का पहले ध्यान दीजिएगा, सीख लीजिएगा। आपका प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा एक पद में उत्तर का, उसमें हो सकता है आपके मल्टीपल चॉइस होगा, उसमें से आप चुन लेंगे। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न मिलेगा कि अपने मन से उत्तर लिखना होगा। एक पद में उत्तर कैसे लिखते हैं? आप शब्द रूप जरूर जानते हैं, शब्द रूप में हर एक एक जो आप पढ़ते हैं सब अपने में एक पद होता है। तो जो शब्द होता है उसके साथ उसकी विभक्ति मिली रहती है, इसलिए वह एक पद हो जाता है। जब एक पद उत्तर की मांग हो तो दो पद दो शब्द में उत्तर नहीं लिखना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिए। ध्यान दीजिएगा, शैशव व कालत, शिशु आप जानते होंगे, शिशु ने शैशव बना है, शैशव कालत यानी बचपन के दिन। अतीव मनोहारी भवति, अतीव बहुत ही मनोहारी, मन को भर लेने वाला अर्थात सुंदर भवति होता है। शैशव काल कैसा होता है? मनोहारी होता है। अस्मिन् काले, इस काल में अर्थात इस समय, बाला बच्चे आनंदेन आनंद से इधर उधर भ्रमंती घूमते हैं। इसका इस समय बच्चे आनंद पूर्वक इधर उधर घूमते हैं, कूदती कूदते हैं, हंसती हंसते हैं, भावंती दौड़ते हैं, क्रीडंती खेलते हैं, लपंती च इधर उधर उछल कूद करते हैं। शाम उनके उन सबों के प्रत्येकम प्रत्येकम हर एक क्रियाकलापम एक्टिविटी जिसको आप बोलते हैं क्रियाकलाप को हृदय भारी भवति, मन को भर लेने वाला होता है, हृदय को भर लेने वाला होता है। आप ध्यान देते हो, छोटा बच्चा हंसता है होता है कहता है जो करता है उसे कुछ करता है, हम बड़े देखकर खूब खुश होते हैं ना। वही हाल है कि उनके प्रत्येक क्रियाकलाप हृदय हानि होते हैं, हृदय को भर लेने वाला होता है। न खलु कस्यापि चिंता भवति, कस्यापि किसी की भी चिंता न भवति नहीं होती है। खलु अव्यय पद है, इस वाक्य को निश्चितता देता है, वाक्य को बल देता है। तो निश्चित रूप से किसी की चिंता नहीं होती है। अस्मिन् समय, इस समय अर्थात बचपन में बाल काल में किसी की कोई चिंता नहीं होती है। यदपि अभीष्टं भवति, यदपि जो भी अभीष्टं भवति मन लायक होता इच्छित होता है, तब वह पितरौ यच्छतः, या पितरौ भी वचन है, इसमें दो पिता का बोध नहीं है, यहाँ समस्त पद है, यह माता पिता दोनों का बोध है। तो कहा यदपि अभीष्टं भवति, जो कुछ भी अभीष्ट होता है, जिस किसी चीज की इच्छा होती है, तब वह पितरौ यच्छतः वह माता पिता देते हैं, मतलब जिस चीज की इच्छा होती है वह चीज माता पिता देते हैं। सर्वे जनाम, सभी लोग देशु उसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। स्नेह धातु मतलब स्नेह करना होता है, तो जिस पर जिसको स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए देशु का प्रयोग है। इसको याद रखो कि व्याकरण का है, जिससे स्नेह किया जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। न कोऽपि ताड़यति, कोऽपि कोई भी न ताड़यति नहीं पीटता है अपितु, बल्कि केवलम लालयति केवल स्नेह करता है, प्यार करता है, कुछ काटता है। माता पितरौ, माता और पिता अपि सर्वं
उसके पीछे लगे रहते हैं, उसके पीछे चलते हैं, अर्थात मनमानी नहीं करते। न चौ और नीते वे कहाँ पे अनुगच्छन्ति और वे किसी दूसरे के पीछे भी नहीं जाते हैं। अब ध्यान देना है आपको एक पद में प्रश्न है इसका। बने एक वन में एक श्रीगाल एक
यार निवासते स्म रहता था। एक वन में एक सियार रहता था। तस्य मैत्री बकेन सह अभवत्। तस्य मैत्री उसकी दोस्ती बकेन सह बक माने बगुला बकेन सह बगुला के साथ अभवत् हुई। याद रखेंगे सह 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 का मतलब क्या होता है साथ। इसके योग में कौन सी विभक्ति होती है तृतीया विभक्ति। इसलिए बक का क्या हो गया बकेन बक का तृतीया क्या हो जाएगा बकेन बालक की तरह रूप हो गया इसका बकेन। एकदा एक बार शृगाल सियार बकम बगुला को स्वगृहे अपने घर भोजनाया भोजन के लिए निमंत्रितवान निमंत्रण दिया। एक बार सियार बगुला को भोजन के लिए अपने घर बुलाया। प्रसन्न बकम खुश बगुला यदा भोजनाय यदा जब भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया तदा तब चतुर शिलाय चतुर होशियार सियार खाल्याम थाली में तस्मय उसके लिए पायसम खीर अयच्छत दिया अवगच्छ और बोला। ध्यान दीजिएगा खुश बबुला जब भोजन के लिए गया तब चतुर सियार ने थाली में उसके लिए खीर दिया और बोला मित्र हे मित्र आवाम हम दोनों सहैव सहैव साथ ही अस्मिन् पात्रे इस पात्र में भोजन पूर्वक भोजन करेंगे। क्या कहा उसने हे मित्र हम दोनों साथ ही इस बर्तन में भोजन करेंगे। बक बगुला दीर्घ चंचुआ भोजन ग्रहणे समर्थ न भवति। बक बगुला दीर्घ चंचुआ लंबी चोंच से भोजन ग्रहण करने में खाने में समर्थ न भवति समर्थ नहीं हुआ। बक अभी बगुला भी भोजन शृगाल शृगाल को भोजनाय भोजन के लिए अब देखिए साथ खाने पर क्या सियार जल्दी जल्दी खा लिया और बगुला की लंबी चोंच से बेचारा खा नहीं पाया तब क्या हुआ। बका अपि शृगाल भोजनाया निमंत्रयति। बका अपि बगुला भी शृगाल सियार को भोजनाय भोजन के लिए निमंत्रयति निमंत्रण दिया। घटे च और घरा में भोजनम यच्छति भोजन दिया। बगुला क्या किया अपने अनुसार जिसके यहाँ देखा था अपने अनुसार घरा में भोजन दिया। घटा भोजन ग्रहण असमर्थ शृगाल बकर से अभिमन पश्यति। घटा घरा से घरा का मुंह छोटा होता है उसमें सियार का मुंह घुस नहीं पाया और बगुला की चोंच लंबी होती है वो अपने अनुसार खा लिया तो घड़ा से भोजन ग्रहण असमर्थ भोजन ग्रहण करने में असमर्थ सियार बकस्य अभुक्तं पश्यति बगुला का मुख देखता रहा। एवं इस प्रकार बका शृगालस्य प्रतिशोधं करोति इस प्रकार बगुला सियार का प्रतिशोध किया अर्थात बदला लिया। इसका आप और समझ गए होइएगा। अब इसमें से चुनकर इसके प्रश्नों के जवाब आपको लिखना है फिर दूसरे का अर्थ मैं बता दे रही हूँ। एक और श्री राम अनुजे लक्ष्मण उसके बाद का पैराग्राफ है आपका नंबर 6 है। 6 नंबर में क्या है श्री राम अनुजे ना श्री राम अनुजे ना श्री राम अनुजे ना अयोध्या प्रत्यागच्छताम अयोध्या प्रत्यागच्छताम। इसका देखिएगा श्री राम अनुजेना लक्ष्मणेना अनुज माने छोटा भाई अनुजेना छोटे भाई लक्ष्मणेना लक्ष्मण भार्यया पत्नी भार्या
श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन गए। वन में लंकापति लंका का राजा रावण छल से सीता अपहरण सीता को हर लिया। वन में लंकापति रावण ने छल से सीता को हर लिया। रावण लक्ष्मण सह सीता अन्वेषय। रावण राम लक्ष्मण सह लक्ष्मण के साथ सीता को अन्वेषय खोजा। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को खोजा तो वे दोनों बने वन में इतस्तत इधर उधर अभ्रमता घूमे। वे दोनों वन में इधर उधर घूमे पड़ किंतु पुत्रपि सीता न अपश्यता। पुत्रपि कहीं भी सीता पुत्रापि होना चाहिए। पुत्रापि कहीं भी सीता सीता को न अपश्यता नहीं देखे। अंत में गृह राजा विद्धों का राजा सीता के विषय में सूचना अयच्छत सूचना दिया। अंत में वृद्धराज ने सीता के विषय में सूचना दी कि लंकापति रावण सीता को ले गया। तब हनुमत वे दोनों अर्थात राम और लक्ष्मण लंकां अगच्छतां लंका गए। रावण च और रावण को आ अमार्यतां मार दिए। वे दोनों हनुमान और सुग्रीव की सहायता से लंका गए और रावण को मार दिए एवं इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता मोचयित्वा सीता को छुड़ा कर अयोध्या लौट आए। प्रत्यागच्छता में प्रति उपसर्ग है आर जो गम धातु आने के अर्थ में है या प्रत्यागच्छता का मतलब वापस लौटना हुआ। आप ध्यान दीजिएगा लंकापति रावण है रावण विशेष्य है जिसका विशेषण है लंकापति। पैराग्राफ में आया है सह का मतलब होता है साथ। सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है और एक याद रखेंगे जहाँ